हाय गाइस, हाउ आर यू टुडे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इंग्लिश अनियन पिकल। इंग्लिश अनियन पिकल बनाने के लिए हमें चाहिए अनियन, वाइट अनियन। मैं वाइट अनियन ही यूज़ करती हूँ क्योंकि वाइट अनियन बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए। बीट्स, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, नमक, वाइट विनेगर। विनेगर की एसिडिटी 5% होनी चाहिए। और एक जार भरने के लिए और मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर या मिनरल वाटर। सबसे पहले अनियन को छील लेंगे। हमने ये पूरी प्याज छील ली है। अब हमें इसमें क्या करना है, नमक डाल के, इसमें नमक लगा के 4 घंटे के लिए रख देना है। ये पानी छोड़ देंगी, उसके बाद हम अचार डालेंगे। फिर हमें 1 से 1.5 कप पानी को बॉईल कर लेना है और उसमें ये काली मिर्च, लौंग और ये डाल देना है। 1-2 घंटे के लिए इनको डाल के रख देंगे। रेड अनियन पिकल बनाने के लिए हमें थोड़ा सा चाहिए बीट्स। इसका छोटा सा एक पीस काटेंगे। इस पीस को छील लेंगे। इसका छिलका निकाल दिया है। फिर इसके छोटे छोटे इस तरह से बहुत छोटे छोटे पीस काट लेंगे। 4 घंटे के लिए प्याज को रख दिया था नमक लगा के। 4 घंटे बाद ये काफी पानी छोड़ देती है, तो वो पानी को बाहर निकाल देंगे और इसमें प्याज डालेंगे। इसमें ही हम प्याज डाल देंगे जार में। बीट्स डालेंगे। अब ये देखिए, रेड से ये वाइट से ये रेड बन जाएगा। ये इंग्लिश रेड अनियन पिकल बनेगा। ये जो हमने सब गर्म पानी में मसाले भिगा के रखे थे वो सब इसमें डाल देंगे। और 1 कप विनेगर, फूड ग्रेड विनेगर होता है। ये एसिडिटी इसकी 5% होती है, फूड ग्रेड एसिटिक एसिड होता है। 1 कप ऐसे इसको बंद करके रख देंगे। तो गाइस, ये हमारा रेड अनियन पिकल तैयार है। कुछ दिनों बाद इन प्याज का कलर रेड हो जाएगा और मसाले का टेस्ट आएगा। तो देखते रहिए अचना ऑन टीवी। प्लीज सब्सक्राइब मी, लाइक मी एंड ट्वीट मी। ज्वाइन फेसबुक अर्चना ऑन टीवी। ओके, बाय, सी यू लेटर।